नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, ये है हमारा डे 18 जिसमें हम PCOD PCOS के लिए एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़े से पैरों को खोलकर हम यहाँ पे चाकी चलान आसन करेंगे। हाथों को पकड़कर धीरे से आगे की तरफ चलेंगे और फिर पीछे की तरफ, जैसे आप चाकी चला रहे हैं, आप आटा पीस रहे हैं पुराने जमाने की। 1, जब आगे की तरफ जाएंगे तो एक्सहेल, पीछे की तरफ जाएंगे तो इनहेल। कम से कम आपको इसको 10 बार करना है। मैंने यहाँ पे 3 से 4 बार कर लिया है। 5, 6, पूरा आगे जाइए। 7, 8, 9, 10 और फिर दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स हो जाइए। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हमारी बटरफ्लाई पोज, जिसमें हम थोड़े से पैरों को पास लाएंगे, अपने हिप्स के पास लाएंगे, अपनी कमर, गर्दन, हाथों, कोहनियों को सीधा करते हुए अपने पैरों को एक तितली की तरह चलाएंगे। इस तरह से स्लोली स्लोली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिलैक्स। नेक्स्ट थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे की तरफ जाएंगे धीरे धीरे। आगे अपनी फिंगर्स को जितना मूव कर सकते हैं आगे की तरफ उतना मूव कीजिए, जितना हो सके उतना मूव कीजिए और होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रिलैक्स। वापस आ जाइए कमर गर्दन सीधी करते हुए। अगली करेंगे हम नेक्स्ट, धीरे धीरे करेंगे। आपको चाइल्ड पोज करना है, शशांक आसन। पैरों को जितना ओपन कर सकते हैं ओपन करके हिप्स पर बैठकर आगे की तरफ आपको अपनी कमर को, अपनी चिन को, सबको जमीन पर लगाने की कोशिश करनी है। खुद को रिलैक्स कर दीजिए बिल्कुल, अपने आप को रिलैक्स जितना आगे हो सके उतना आगे होकर, और होल्ड कीजिए 10 सेकंड के लिए यहीं पर और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए स्लोली स्लोली। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम, जिसमें हम यहाँ पे पैरों को थोड़ा सा मिलाएंगे पास में और फिर उसके बाद हम यहाँ पर शशांक आसन जो है चाइल्ड पोज और साथ में भुजंग आसन का मिक्स करेंगे। तो पैरों को मिला लीजिए, हिप्स पर बैठ जाइए, अपनी एड़ियों पर बैठ जाइए इस तरह से आराम से होल्ड करते हुए और फिर धीरे धीरे हम यहीं से हाथों को आगे की तरफ एडजस्ट करते हुए हम यहाँ पर भुजंग आसन में आएंगे और फिर वापस हम चाइल्ड पोज में पैरों को मिलाए हुए वापस भुजंग आसन में, वापस चाइल्ड पोज में। जितना हो सके उतना कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। आप इसके कम से कम 10 से 15 बार कीजिए इसको। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है आपके लिए, आपकी ओवरीज के लिए। उसके बाद यहीं से हम पर्वतासन में आएंगे, एड़िया जमीन पर टिकाते हुए जितना हो सके अपने शरीर को नीचे की तरफ यहाँ पे हमें पुश करना है, जितना नीचे हो सके शरीर को पुश करना है, अपने पूरे शरीर को, गर्दन को जमीन पर लगाने की कोशिश कीजिए और होल्ड करते हुए यहीं से भुजंग आसन में वापस पर्वतासन में, भुजंगासन में, पर्वतासन में, भुजंगासन में। जब हम आगे की तरफ जाते इनहेल, नीचे की तरफ आते तो एक्सहेल। फिर यहीं से हम रिलैक्स होते हुए धीरे धीरे आराम से बैठ जाएंगे और यहाँ पर आप एक बार और बटरफ्लाई कर सकते हैं अगर आपके पैरों में दर्द हो जाए। और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मैं आपको कम से कम यहाँ पे 18 दिन से PCOD PCOS के लिए एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ।